हे गाइस, बस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो एक प्रीमियम और फ्लैगशिप एसयूवी है जीप की। वीडियो को एंड तक देखना, आपको अच्छी लगने वाली है। और अब थोड़े बहुत अपने मतलब की बात कर लेते हैं यार। 79 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैंने नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा हो जाएंगे। एंड ऑफ द मंथ एम करते हैं 100 सब्सक्राइबर का। आई होप आप पूरा कर रहे हो। लास्ट 5 डेज का ब्रेक था, मैंने इंस्टा में बता दिया था। जिसने इंस्टा में फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर लो यार, ठीक है। एक फॉलोइंग बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो प्लीज़ फॉलो कर लो यार। 15 फॉलोअर्स हो गए एंड ऑफ द मंथ थीम करते हैं, उसमें 50 फॉलोअर्स का। सो देखते हैं कैसा अपना प्रोग्रेस होता है। 5 दिन का ब्रेक लिया था इंस्टॉल यूट्यूब से, तो होली थी यार, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करने का बनता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर्सनली मेरे को अपने आप प्राउड हो रहा है, 79 सब्सक्राइबर हो गए। सो बकवास करते हैं बाद में। सो स्टार्ट करते हैं जीप ग्रैंड चेरोकी की, जो इंडिया में लॉन्च होने वाली है। ये जीप की एक फ्लैगशिप एसयूवी है, जिसमें आपको काफ़ी प्रीमियम लुक्स मिलती है। आगे की तरफ में 11 स्लॉट की ग्रिल मिलती है, जो अच्छी लगती है। बेसिकली ना, मेरे को ऐसी एसयूवी पसंद है जिसमें आपको फ्लैट बोनट, फ्लैट बम्पर, तो यार ये थोड़ी बहुत अपीलिंग लगती है, ठीक है। तो फिर थोड़ा बहुत कट्स एंड क्रीजेज एसयूवी में अच्छे नहीं लगते हैं। सो आगे की तरफ आपको एलईडी मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा सही है। आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं। 18, 19, 20 इंच के अलॉयज का ऑप्शन है। इंडिया में 18 मिलेगा। विंडो में आपको क्रोम गार्निश मिलने वाली है ऊपर की तरफ में, जो सही है। प्रोफाइल और साइज़ इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। व्हील आर्चेस आपको बॉडी कलर पेंटेड मिलेंगे, जो अच्छी लगती है। ऐसी गाड़ी जीप की नहीं आई है, मतलब हम सोच रहे थे कि 4x4 मिनी आएगी, जो नेक्सॉन वेन्यू से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन नहीं यार, अब इसकी याली गाड़ी होने वाली ग्रैंड चेरोकी। इसके काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट आते हैं बाहर की मार्केट में, जैसे ट्रेलॉक हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, समिट रिजर्व हो गया, ओवरलैंडर हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट है। जो इंडिया में आएगा उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया में जो आने वाला है ना, वो आपका समिट रिजर्व या एल्टीट्यूड आएगा, क्योंकि देखो ना, ट्रेलॉक थोड़ा बहुत महंगा चले जाएगा, 80-85 लाख। तो जो जीप की रूबीकॉन आती है रैंगलर ना, तो उस प्राइस में आपको एल्टीट्यूड मिल जाएगा। लोकली असेंबल होने वाली है, तो प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा नीचे जाने वाला है, जो काफ़ी सही बात है इंडियन मार्केट के लिए। तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलने वाला है, ठीक है। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, नो डाउट। एल्टीट्यूड वाला इसका वेरियंट आ सकता है, जो आपका 60-65 लाख तक जाता है, जो मेरे को प्राइस इसका जस्टिफाई लगा, क्योंकि GLE आती है मर्सिडीज़ की यार, उससे लुक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पावर इसमें आपको मिलती है 268 BHP की, 400 Nm का टॉर्क। इंजन आपका वही नॉर्मल रहने वाला है, 2.2 लीटर का, सॉरी बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ ना। सो टोटल सीटिंग यार 5 सीटर आएगी, 7 सीटर नहीं आएगी, क्योंकि यार प्राइस 7 सीटर का हाई जाने वाला है, ठीक है। तो इतना मिलने वाला है। ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, 4-व्हील ड्राइव आपको मिलने वाली है इसमें। सो बहुत सही है गाड़ी है। इंटीरियर की बात कर लेते हैं, इंटीरियर आपको काफ़ी सही मिलता है इसमें, जिसमें आपको वुडन ट्रीटमेंट मिलता है। आपको 2 स्क्रीन्स मिलती है, आपको क्रोम का फिनिश मिलता है डैशबोर्ड में, जैसे जीप कंपस में आता है, जो थोड़ा बहुत प्रीमियमनेस को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। इंटीरियर वाइज काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है गाड़ी है। 2 स्क्रीन वाली ना इसका आपका टॉप मॉडल में मिलेगा, तो जो इंडिया में एल्टीट्यूड आएगा उसमें आपको 1 स्क्रीन मिलेगी, जो यार काम मतलब अच्छी है, ठीक है। आपको इंस्ट्रूमेंट पूरा डिजिटल मिलता है, जिसमें आपको 4 मोड्स मिलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सही है। गियर नॉब मिलता है आपको, जैसा जैगुआर लैंड रोवर में मिलता है। 4-व्हील ड्राइव रहने वाली है, आपको वहाँ का बटन दिख रहा होगा। सो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ लगी मेरे को। इंटीरियर वाइज काफ़ी ज़्यादा सही है, अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं। सो जस्टिफाइड करती है यार प्राइस को टोटली। तो ये था जीप के बारे में, जो ग्रैंड चेरोकी अभी हाल ही में लॉन्च होने वाली है इनकी। शायद से आपका mid-2022 में ऑफकोर्स से लॉन्च कर दें। mid-2022 में महिंद्रा की तरफ से इलेक्ट्रिक कार भी आने वाली है, जो काफ़ी ज़्यादा सेंसेशनल रहने वाली है, जिसके ट्रेलर्स काफ़ी ज़्यादा सही लग रहे हैं। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी तो यार नेग्लेक्ट करना, 5 दिन बाद आ रहा हूँ ब्रेक के बाद। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टिल देन, बाय बाय।